हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर के आगे के सिलेबस के विषय में। जहां तक पिछली क्लास में मुझे याद है कि पिछली क्लासेस में मैंने आपसे बात की थी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की, और उन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में हमने कई सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। उन सारी प्रॉपर्टीज में इनमें से एक थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे थी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा था कलर प्रोडक्शन, इसके अलावा और एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। आज उसी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में हम बात करने जा रहे एक और नई प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पढ़ क्या रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, और इसी में पढ़ने जा रहे हम लोग हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण का मतलब होता है कि जब किसी आयन को हम चुंबकीय फील्ड पर रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं, तो वह आयन या वह सब्सटेंस उन चुंबकीय रेखाओं को या मैग्नेटिक लाइंस को आए तो आकर्षित करता है या तो उन मैग्नेटिक लाइंस को प्रतिकर्षित करता है। अगर कोई भी लाइंस चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अगर मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब हो जाता है कि वह सब्सटेंस जो होगा पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर कोई आयन उन मैग्नेटिक फील्ड पर रखने पर उन मैग्नेटिक लाइंस को प्रतिकर्षित कर रहा है या रिपेल कर रहा है, इसका मतलब हो जाता है कि वहां पर वो सब्सटेंस होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, यानी कि आयन हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ रिपेलिंग मैग्नेटिक लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड आर डायमैग्नेटिक। मतलब कोई भी आयन जिसको मैग्नेटिक फील्ड पर रखने पर और मैग्नेटिक लाइंस को अगर रिपेल रखने की प्रॉपर्टी रख रहा है, इसका मतलब हो जाता है कि वह आयन जो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। और दूसरी कंडीशन यह होती है कि वही आयन हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड आर पैरामैग्नेटिक। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर या तो वो मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, और अगर वो मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपके पास में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वर्डियम, क्रोमियम और मैग्नीज है, साथ में फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये 10 आयन होते हैं, और आयन के बारे में अगर बात करें तो ये 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ये भी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ये भी 2+, ये वाला भी 2+, 2+, 2+, 2+, 2+ और 2+। 2+ का मतलब हो गया कि जितने भी प्रकार के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं वो आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो हर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराने पर हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, और यह पता चलेगा कि वहां पर सभी के सभी आयन पैरामैग्नेटिक हैं, सभी के सभी आयन पैरामैग्नेटिक हैं।
लेकिन जिंक को छोड़ करके, लेकिन जिंक यहां पर एक ऐसा एलिमेंट है क्योंकि यहां पर बाकी सभी के सभी पैरामेटिक है लेकिन जिंक कैसा है, डायबिटिक है। और डायबिटिक क्यों है, तो पहली बात तो यहां पर इस प्रॉपर्टी के आधार पर अगर कहें कि ये जितने भी प्रकार के 9 आयन है ये सभी मैग्नेटिक फील्ड पर रखने पर इन मैग्नेटिक लाइन्स को प्रॉपर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखते होंगे, जबकि जिंक एक ऐसा एलिमेंट है केवल जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक लाइन्स को प्रतिकर्षित यानी कि रिपेल करने की प्रॉपर्टी रखता होगा, इसलिए यहां पर डायमेटिक कहा गया है। बाकी सभी को यहां पर क्या कहा गया है, पैरामेटिक कहा गया है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक्सेप्ट जिंक, एक्सेप्ट जिंक ऑल आयंस आर पैरामेटिक, कि जिंक को छोड़ करके बाकी सभी आयन जो होंगे वो सभी आयन कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक है, लेकिन जिंक कैसा है, डायमैग्नेटिक है। आइए देखते हैं कि यहां पर ये तो पता चल गया डेफिनेशन के आधार पर कि कौन सा आयन डायमैग्नेटिक होगा और कौन सा आयन पैरामैग्नेटिक होगा ऑन बिहाफ ऑफ अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट अब इसके आगे की ओर बढ़ते हैं, जब इसके आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये आयन डायमैग्नेटिक है कि ये आयन पैरामैग्नेटिक है। आइए देखते हैं, हम कुछ का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे स्कैंडियम 2+ कर ले रहे हैं, हम क्रोमियम 2+ कर ले रहे हैं, हम आयरन 2+ कर ले रहे हैं और इसके बाद लास्ट में करेंगे जिंक की बात। तो स्कैंडियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता था आर्गन 18 4s2 3d1। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो क्रोमियम होता था 24 और कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो आर्गन 4s1 3d5। यहां पर भी आयरन का कॉन्फ़िगरेशन किया जाए 26 आयरन होता है और कॉन्फ़िगरेशन कराने पर आर्गन 18 4s2 और ये आपका बेटा 3d6 आता है। तो नॉर्मल जब एटम के फॉर्म में, तो एटम के फॉर्म होने पर इनका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है। आइए इनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी। लास्ट सेल बेटा यहां पर कौन सी है, 4s सेल है, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन बच रहा है 18 3d1 और 4s0। यहां पर बच रहा है क्रोमियम 2+, तो यहां पर आर्गन 18। 4s से 1 इलेक्ट्रॉन हटाया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन तो 3d5 से हटा दिया तो बचा आपका 3d4। यहां पर किया तो आयरन 26 18। 4s से यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, 4s खत्म हो गया, 0 रहता है तो 4s0 और 3ds। लेकिन 4s में चूंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए मैंने मेंशन यहां पर नहीं किया हुआ है। तो यहां पर क्लियर हो गया बेटा कि स्कैंडियम के 2+ में 3d1 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, क्रोमियम के 2+ में 3d4 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, जबकि आयरन के कॉन्फ़िगरेशन में आपको आ रहा है 3d6 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अब डी सबसेल में ऑर्बिटल होते हैं बेटा 5। डी सबसेल में ऑर्बिटल होते हैं बेटा 5। उन 5 ऑर्बिटल को यहां मेंशन कर रहे हैं, उन 5 ऑर्बिटल को बेटा यहां पर भी मेंशन कर रहे हैं और उन्हीं 5 ऑर्बिटल को बेटा यहां पर भी हम मेंशन कर रहे हैं। क्लियर। 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप किया। 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप किया। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखने की कोशिश करिए कि अगर यहां पर देखिए तो एक स्पिन का इलेक्ट्रॉन है,
यहां पर भी देखिए एक स्पिन के इलेक्ट्रॉन है और यहां पर देखिए एक ऑर्बिटल में तो क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाकी के चार ऑर्बिटल में भी एक स्पिन के इलेक्ट्रॉन है। जब ऐसे आयन को हम मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो केवल एक स्पिन के इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे स्पिन के इलेक्ट्रॉन की इनको आवश्यकता होती है ताकि ये स्टेबल स्टेट को प्राप्त कर सके। उस आवश्यकता को देखते हुए ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंस होकर के उन मैग्नेटिक लाइंस को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रॉपर्टी रखते हैं। तो कुछ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से या एक स्पिन में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये मैग्नेटिक लाइंस को आकर्षित कर रहे हैं। तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा बेटा कितने, चार। तो फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये बेटा पैरामैग्नेटिक है। यहां पर भी फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये वाला बेटा पैरामैग्नेटिक है। यहां पर वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये वाला बेटा पैरामैग्नेटिक। तो इस प्रकार से यहां पर देखा कि पैरामैग्नेटिक वहां पर लिखा हुआ था लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप कैसे पैरामैग्नेटिक लाएंगे। तो यहां पर देख लिया कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो रहे हैं इसका मतलब हो जाता है कि वो पैरामैग्नेटिक है। तो ये बेटा पैरामैग्नेटिक हो गए। अब जिंक को देख लेते हैं कि जिंक डायमैग्नेटिक क्यों है। जिंक को देख रहे हैं कि जिंक डायमैग्नेटिक क्यों है। हम लोग देखेंगे जिंक के 2+ में। नॉर्मल देखें अगर जिंक 30 होता है, आर्गन 18, 4s2 और 3d10। जिंक के पास में 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बचता बेटा आर्गन 18, 4s0 और देन 3d10। अब फिर से सिमिलर ये है कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, इन 5 ऑर्बिटल को 5 मेंशन किया है से और इन पर 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं हुंड्स के रूल के अकॉर्डिंग। ये चीज देख रहे हैं कि एक ही ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज स्पिन का भी इलेक्ट्रॉन है और एंटी क्लॉकवाइज के स्पिन का भी इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि कोई भी ऑर्बिटल में कोई भी एक स्पिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब हो जाता है नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, और जब नो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि ये डायमैग्नेटिक है। तो बेटा अभी तक ये देखा हमने कि किसी भी आयन को पैरामैग्नेटिक बोलना या डायमैग्नेटिक बोलना किस आधार पर देखा जाता है। तो पहला आधार ये है कि जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटिक लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो पैरामैग्नेटिक, अगर नहीं कर रहा है तो डायमैग्नेटिक। दूसरी बात उसमें देखी कि अगर अब मैग्नेटिक लाइंस को हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग क्लासरूम में बैठे होते हैं, लेबोरेटरी में नहीं बैठे होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर करके भी हम देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाया कि कौन सा आयन डायमैग्नेटिक है और कौन सा आयन पैरामैग्नेटिक है। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर एक चीज और आती है बेटा कि जब भी हम किसी भी आयन को, और आयन का मतलब हो जाता है चार्ज पार्टिकल, जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक लाइंस में मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पर रखने पर उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहे हैं, दूसरे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हैं, वो उस आयन के चारों ओर या उस एक्सेस के चारों ओर क्या करेंगे, चक्कर लगाते रहते हैं। और जब एक्सेस के ऊपर चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो जिस डायरेक्शन पर वो चक्कर लगा रहे हैं उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर एक चीज मैग्नेटिक जनरेट करती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। और मैग्नेटिक मूवमेंट एक प्रकार की डायपोल या एक प्रकार का डायपोलिक कंडीशन होती है कि मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट किया तो अब मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करते हैं या मैग्नेटिक मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन
ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज डन। देखिए कई सारे फॉर्मूले के द्वारा मैग्नेटिक मूवमेंट को निकाला जाता है, लेकिन फर्स्ट प्राइसन सीरीज की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक बेटा फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला। और ये स्पिन ओनली फॉर्मूला है म्यू स्क्वायर टू जी रूट एस एस प्लस वन। और ये बीएम होता है बोहर मैग्नेटॉन, एक बोहर मैग्नेटॉन बराबर होता है ईएच अपॉन फोर पाई एमसी। जी रूट एस एस प्लस वन, यहां पर बेटा जी जायरोमेटिक कांस्टेंट होता है, और एस आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है। आयन के लिए जी की वैल्यू होती है बेटा दो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। और एस का वैल्यू होता है एस इक्वल टू होता है एन बाई टू। जब एन बाई टू, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड कॉन, और बाई टू का मतलब हो गया वन बाई टू। वन बाई टू क्या होता है स्पिन होती है, तो ये फॉर्मूला बेटा बन जाता है जी टू रूट एन बाई टू एन बाई टू प्लस वन। या इसको और सॉल्व करते हैं तो म्यू बराबर अंडर रूट एन एन प्लस टू। ओवरऑल ये फॉर्मूला बन जाता है स्पिन ओनली फॉर्मूला म्यू बराबर अंडर रूट एन एन प्लस टू। अब इसी अंडर रूट एन एन प्लस टू फॉर्मूले से हम ये निकालेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट किस आयन का कितना है। जनरली देखा जाता है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये देखा जाता है कि मैक्सिमम और मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पांच। डी सबसेल में एक अनपेयर्ड हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं और पांच हो सकते हैं। तो एन की वैल्यू एक से लगा करके पांच तक हो सकती है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है और चार हो सकता है। म्यू स्क्वायर टू अंडर रूट एन एन प्लस टू बीएम। एन की वैल्यू को बेटा वन रखेंगे अगर वन वन प्लस टू बीएम तो हो जाता है अंडर रूट थ्री, और इसका वैल्यू आता है 1.73 बीएम। अगर म्यू का वैल्यू एन बराबर अब दो रखना हो तो टू टू प्लस टू होता है चार दूनी आठ, अंडर रूट एट आता है, और अंडर रूट एट आता है तो 2.83 बीएम। इसी प्रकार से अगर म्यू का वैल्यू एन इलेक्ट्रॉन यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन की निकालना हो, थ्री थ्री प्लस टू, थ्री और टू हो जाते हैं फाइव, और फाइव और थ्री का मल्टीप्लाई 15 हो जाता है अंडर रूट 15 बीएम। और ये अंडर रूट 15 बेटम बीएम आता बेटा आपका 3.87 बीएम। अगला चार इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो अंडर रूट फोर फोर प्लस टू बीएम हो जाता है चार दो छह, और छह चौको 24 अंडर रूट 24 सॉरी ये होता बेटा 4.90 बीएम। और इसी प्रकार से अगर हम एन बराबर पांच इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहां पर आता है 5.93 बीएम। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो 1.73 बीएम आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, अगर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2.83 बीएम मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, अगर तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका 3.87 बीएम आता है, चार अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4.90 बीएम आता है, और इसके बाद अगर एन बराबर पांच आते हैं तो 5.93 बीएम आता है। कोबाल्ट निकिल और आयरन, कोबाल्ट निकिल और आयरन के केस में क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होता है, या कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के ज्यादा होने की वजह से इन आयनों को फेरोमैग्नेटिक कह देते हैं। तो इस प्रकार से आपने इसमें देखा कि किस प्रकार से हम आयनों को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं और डायमैग्नेटिक बोलते हैं।
किस प्रकार से अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, किस प्रकार से मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाता है, वो यहां पर आपने देखा हुआ है। आगे आने वाले लेक्चर में हम अगली बात के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।